बुक से नहीं पढ़ा रहा, मैं एक बुक से नहीं पढ़ा रहा होता, इसमें मेरे अपने नोट्स भी होते हैं, जो मोस्टली होते हैं वो मेरे अपने नोट्स से होते हैं। जो आपको मैंने सारी चीज़ पढ़ाई थी वो मैंने अपने नोट से पढ़ाई थी, और जो आपको कार्डियो मोस्टली करवाया था वो अपने नोट से करवाया था, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा उससे। और एक दो बुक्स हो रहे हैं, इन फार्मसूद हो गई, स्टेप टू सी की होगी, साथ आपकी जितनी पथोमा की सारी लाइंस होती हैं वो भी कंप्लीट डिटेल में डिस्कस होती हैं। अगर आपको नहीं यकीन तो उसको साथ बाद में खोल के देख लिया करें, स्टेप वन वाले सारे पॉइंट उसके अंदर होते हैं, कोई मिस नहीं होता, ठीक है। एक बुक से नहीं सिर्फ पढ़ा रहा होता, क्योंकि वो मेरे नोट्स पे सिर्फ ये बातें ऐसी लिखी हुई हैं, तो फिर मैं उसे साथ साथ ऐसे पढ़ाता रहता हूँ। ओके जी, हम सेंट्रल ये डायबिटीज इंसिपिडस डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको ना, हम पहले डिस्कस करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऐसे कौन से हार्मोन वो रिलीज होते हैं, ठीक है। उनमें से आज जो एक मेन है हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अप्रिशिएट ऑल द बुक्स एंड नोट्स। ओके, मैं कर दूंगा। ओके देखें, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जो आपका एडीएच होता था वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता था। एडीएच का दूसरा नाम क्या होता था? लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था एडीएच का दूसरा नाम, बेसिक्स वाली क्लास में बताया था, वैसोप्रेसिन होता है। यार सारे पार्टिसिपेट कह रहे सोना नहीं है, वैसोप्रेसिन। दूसरा कौन सा यहाँ से रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। अब मुझे सबसे पहले एडीएच का फंक्शन बताएं, एडीएच का फंक्शन क्या है? हाँ जी, एडीएच का फंक्शन क्या है? एंटीडायरेटिक हार्मोन क्या करता है आपके? एंटीडायरेटिक हार्मोन आपका वाटर को बच्चों बॉडी में रीअब्जॉर्ब करवा रहा होता है, यही करता है ना ये डायरेटिक हार्मोन। और जो आयन्स होते हैं उनको किधर फेंकता है? यूरिन में फेंक होता है, ठीक है। जब आपको पता है जब भी आपका वाटर रिटेन हो रहा होता है ना, तो फिर क्या होता है, जो आपके आयन्स होते हैं वो किधर जाते हैं? यूरिन में जा रहे होते हैं। हमने यही पढ़ा था जब हमने थिक असेंडिंग लूप ऑफ पहले पढ़ा था, पिथिन पढ़ा था हमने। मैंने आपको वहां पे बताया था कि एक पे सिर्फ आपके आयन्स रीअब्सॉर्ब होते हैं और एक पे सिर्फ आपकी वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती है। जहाँ वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हो रही होती है वहां आयन्स की नहीं हो रही होती, जहाँ आयन्स की होती है वहाँ वाटर की नहीं हो रही होती। हमने ये सारी बातें डिस्कस की थी ना वहाँ पे, जब मैंने आपको बेसिक्स वो नेफ्रॉन की वो पढ़ाई थी। जी, मैंने वहाँ पे जब आपको ट्यूब्यूल्स की वो सारे पढ़ाए थे, फंक्शन पढ़ाए थे ना, मैंने सारी बातें वहाँ पे आपको बताई थी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंटीडायरेटिक हार्मोन, फिर इसकी जितनी भी डिजीजेस सारी वो डिस्कस करेंगे। एडीएच का आपने मुझे फंक्शन बता दिए, क्या करवा रहा होता है बच्चों? वाटर की बॉडी में रीअब्सॉर्प्शन करवा रहा होता है। अब मुझे ये बताओ ये प्रोड्यूस किधर से होता है? हाँ जी, एडीएच प्रोड्यूस किस जगह से होता है? एडीएच प्रोड्यूस किधर से होता है? स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके, मैं स्क्रीन शो देखता हूँ। आप स्क्रीन शो हो रही है आपको? अच्छा, क्या सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस, वेरी गुड। और आगे से रिलीज किधर से हो रहा होता था आपके बच्चों? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस में होता है, उधर से प्रोड्यूस होता है, और जो रिलीज हो रहा होता है वो किधर से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हो रहा होता है, ठीक है। फिर आगे ब्लड में आ रहा होता है। ये इसका नॉर्मल क्या था पाथवे से, जो एनाटॉमी थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखें एडीएस ना आपकी बॉडी में कैसे काम करता है, कैसे वाटर के रीअब्सॉर्प्शन करवाता है? इसके ना बेसिकली दो रिसेप्टर होते हैं, एक होता है V1 और दूसरा कौन सा होता है? V2। हाँ जी, V1 किधर होता है? आपको लास्ट क्लास में सारी बातें बताई हैं। V1 किधर होता है? V1, वेरी गुड, वेसल्स पे होता है। क्या कर रहा होता है V1 वेसल पे? वेसल्स पे क्या करता है जल्दी जल्दी, वेसल्स का फंक्शन भी बताओ। कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इनक्रीज होता है, ठीक है। V2 क्या करता है? V2 क्या करता है? हाँ जी, जैन आप भी थे उस क्लास में। V2 वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करवा रहा होता है, और किधर करवा रहा होता है, किस पार्ट पे? अब ये भी क्वेश्चन आता है, किस पार्ट पे? किडनी के कौन से ट्यूब्यूल पे स्पेसिफिकली? वेरी गुड अजवत, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे करवा रहा होता है, ठीक है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे आपकी वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करवा रहा होता है विद द हेल्प ऑफ एक्वापोरिन चैनल 2, ठीक है। V2 एक्वापोरिन V2 चैनल होता है, वहां पे क्या करता है आपकी वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करवा रहा होता है, कौन? एडीएच। फॉर एग्जांपल हमने उधर क्या डिस्कस किया था कि अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन होता है ना, रास में भी हमने इसको डिस्कस किया था, तो आपके V1 और V2 रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, थर्स सेंटर एक्टिवेट होता है, आपकी वाटर की रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होती है, और बीपी को इंक्रीज करवा रहे होते हैं। ये सारी बातें हमने वहां पे की हुई थी, ठीक है। अब देखें ऐसी कौन सी डिजीजेज है जिसके अंदर आपका जो ये एडीएच है ये रिलीज नहीं होता? अगर रिलीज हो भी रहा हो तो ये काम क्यों नहीं करता? एक से दो इंपॉर्टेंट बातें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। देखें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। कौन सा? सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। अब नाम से पता चल रहा है सेंट्रल का मतलब क्या है। हाँ जी, इशू किधर होगा? सेंट्रल उसने नाम लिया ना, तो इशू किधर होगा? हाँ जी बताइए जी, जल्दी जल्दी। अगर सेंटर लिखा हुआ तो इशू किधर होगा इसका?
ओके जी, ब्रेन पे होगा, ठीक है जी। मतलब उसका कहने का मतलब क्या है कि इसकी इसके ब्रेन से क्या आ रहा है बच्चों, एडीएच रिलीज नहीं हो रहा, ठीक है। नंबर वन इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है। अब हम देखते हैं ऐसी कौन सी कॉजेज हैं जो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस करवा सकती हैं, कि मतलब कि जो ब्रेन से आपके एडीएच को रिलीज ही नहीं होने देती। अब हम वो चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखें, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो बच्चों आपने बताना है हेड ट्रॉमा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, उसका सर नीचे लगा, उसका हाइपोथैलेमस डैमेज हो गया या पोस्टीरियर पिट्यूटरी डैमेज हो गया, अब आप मुझे बताएं क्या उस पेशेंट के अंदर एडीएच रिलीज होगा? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं, क्या उस पेशेंट के अंदर एडीएच रिलीज होगा? नहीं होगा, ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, अगर किसी पेशेंट के अंदर ट्यूमर हो गया हाइपोथैलेमस का, तो बच्चों फिर भी आपका जो होगा ना एडीएच, उस कंडीशन में भी क्या रिलीज नहीं होगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस का ट्यूमर या पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ट्यूमर या हेड ट्रोमा एग्जामिनर क्वेश्चन में मेंशन कर दें, ये दोनों तीन क्या करती हैं, आपके एडीएच को रिलीज नहीं होने देती। किधर से? आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। दो बातें बता दी, तीसरा लिखें क्रेनियोफ्रेंजियोमा, ठीक है। क्रेनियोफ्रेंजियोमा क्या होता है आपके, किसी को पता है क्रेनियोफ्रेंजियोमा क्या होता है? हाँ जी, बेसिक्स फॉलो, पढ़ा है कहीं पे क्रेनियोफ्रेंजियोमा क्या होता है? भाई ये ब्रेन का ही ट्यूमर होता है, ठीक है। और पूछा जाए स्पेसिफिकली किस पार्ट पे होता है, तो आपने बताना सेल्ला टर्शिका, आपका एक ब्रेन का पार्ट हिस्सा होता है, उस जगह पे आपका क्या होता है, क्रेनियोफ्रेंजियोमा हो रहा होता है, ठीक है। बस इतना सा इसके अंदर याद रखने, क्रेनियोफ्रेंजियोमा की बात मोर देन इनफ है, ठीक है। कौन कौन सी मैंने कॉजेज बताई, हेट्रोमा हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है हाइपोथैलेमस का। एक और बात लिख ले, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी रीजन की वजह से आपकी इन्फ्लामेशन हो जाए, किसकी, हाइपोथैलेमस की, उसकी वजह से भी क्या होगा, आपका एडीएच अब रिलीज नहीं होगा, ठीक है। अपना फंक्शन छोड़ देगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उसको बाहर नहीं निकाल सकेगा, ठीक है, ब्लड में नहीं आ सकेगा, कौन, एडीएच। ये सारी कॉजेज हैं जो क्या करेंगी बच्चों, आपके एडीएच को रिलीज नहीं होने देंगी। ये सारी कॉजेज समझ में आ गई, हेड ट्रॉमा, ट्यूमर हो सकता है, क्रेनियोफ्रेंजियोमा, और ये क्या हो सकता है, इंफ्लामेशन हो सकती है। ये बुक पे नहीं मेंशन, ये अपनी बुक पे लिख लीजिएगा। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट के अंदर क्या हो गया, वॉइस नहीं आ रही, बाकियों को वॉइस सही आ रही है? ओके जी, ठीक है। अफसा आपके वो ये गेन नेट का इशू होगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या हुआ, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस हो गया, नहीं जरूरी नहीं है कि हार्ट ट्यूमर आपकी सेक्रीशन को इंक्रीज करे, ना जरूरी नहीं है। ट्यूमर की वजह से अगर इसका साइज बढ़ रहा है, तो उसको कंप्रेस कर देगा, उसको रिलीज नहीं होने देगा। हमने यही बात पढ़ी थी प्रोलैक्टिन के केस पे, अगर उसके अंदर कोई ट्यूमर हो रहा हो तो वो ज्यादा कर रहा होता है। हर ट्यूमर आपकी सेक्रीशन ज्यादा नहीं कर रहा होता, ठीक है, कोई कम भी कर रहा होता है स्पेसिफिकली। भाई लास्ट दो कॉजेज रिपीट कर दे। ओके, देखें, हेड ट्रॉमा हो सकता है, ट्यूमर हाइपोथैलेमस का है, फॉर एग्जांपल वो क्या करेगा, वो रिलीज नहीं होने देगा आपकी किसको, एडीएच को, या क्रेनियोफ्रेंजियोमा है, क्रेनियोफ्रेंजियोमा बेसिकली सेला टर्शिका में आपका ट्यूमर हो रहा होता है, और यहाँ कोई ना कोई इन्फ्लामेशन होगी हाइपोथैलेमस की, वो भी क्या करवा सकता है आपके, आपका ये एडीएच को रिलीज नहीं होने देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई, अब इसके अब हमारे पास पेशेंट आएगा, उसके अंदर क्या हम क्लिनिकल फीचर देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। देखें, सबसे पहले मुझे ये बताएं, अगर आपका जो ब्रेन से अगर रिलीज नहीं हो रहा, कौन, आपका एडीएच रिलीज नहीं हो रहा, तो क्या आपके वाटर की बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन होगी? हाँ जी, क्या आपकी बॉडी में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी? नहीं होगी। तो क्या हम इस टर्म को पोलीयूरिया लिख सकते हैं? क्या पोलीयूरिया लिख सकते हैं इसके अंदर? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं। ओके जी, अगर लिख सकते हैं। देखें, अब आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा यूरिन आ रहा है, तो भाई ज्यादा से ज्यादा प्यास भी तो लगेगी ना, फिर क्या पॉलीडिप्सी हो सकता है इस पेशेंट के अंदर? हाँ जी, एक हाँ जी, हाँ जी, अजवत बताता हूँ, सीरम ऑस्मोलैरिटी भी इंक्रीज होती है, वेरी गुड, इसके अंदर पॉलीडिप्सी होगा। अब देखें, जब आपके कौन, आपका वाटर ना ही बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो रहा और ज्यादा से ज्यादा बार यूरिन में जा रहा है, उसकी वजह से पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया। मैंने आपको कहा था कि जब भी बॉडी में अगर वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा तो आयन बाहर जाते हैं, अगर आयन रीअब्सॉर्ब हो रहा हो तो वाटर बाहर जाते हैं, ये बात हमने की थी ना। अब इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है कि वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा, तो मुझे बताएं इसकी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, सीरम ऑस्मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, खुद ही बताएं आप। हाँ जी, इसकी ब्लड, वेरी गुड शिराज, इसकी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर देगी, नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, अब मुझे बताएं इसकी यूरिन की ऑस्मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, खुद ही बताएं। अब आयन नहीं जा रहे यूरिन में, वाटर जा रहा है, बताएं जी, कम होगी, वेरी गुड, इसकी यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम होगी। और जिस जिसके अंदर वाटर जाए सिर्फ, हाँ जी, वेरी गुड शराज, अगर सिर्फ वाटर जा रहा हो, किसके अंदर, यूरिन के अंदर आयंस ना जा रहे हो, ऐसे इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड यूरिन नहीं बोलते इसको बच्चों, तो क्या इस पेशेंट के अंदर डाइल्यूटेड यूरिन होगा? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं,
इसके अंदर डायल्यूटेड यूरिन होगा। हाँ जी हाँ जी, इसके अंदर डायलेटेड यूरिन होगा। अब आप देखिए स्पेसिफिकली आपका जो सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा आयन था जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो रहा होता था। हाँ जी, जितने आपका ऐसा कौन सा आयन है जो को ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है सोडियम, तो क्या इस पेशेंट के अंदर हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है? स्पेसिफिकली देखा जाए तो क्या हाइपरनेट्रीमिया होगा इस पेशेंट के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा आयन आपका ये रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है, ये हर ये ग्लूकोज के साथ भी को ट्रांसपोर्टर कर रहा होता है, हर एक हर चीज के साथ ही को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, इसीलिए स्पेसिफिकली हम हाइपरनेट्रीमिया देखेंगे इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई? हाँ जी, ये वाली बात समझ में आ गई? ओके, जगह समझ में आ गई। ठीक है जी, ओके। अब ये जितना मैंने आपको पढ़ाया ना, कोई एक बच्चा इसको रिपीट कर दे सारे को, किसको समझ आई है सही वो इसको रिपीट कर दे, बेशक माइक ओपन करके रिपीट कर लो, ताकि जिसको नहीं है, जिसका नेट भी नहीं ठीक था, उसको भी समझ आ जाए सारे पॉइंट। हाँ जी हाँ जी, वो तो डिपेंड करता है ना, जब उसके आयंस का लेवल चेक करेंगे ना आप, लेकिन इसके अंदर स्पेसिफिकली देखा जाता है हाइपरनेट्रीमिया देखा जाता है। उसकी रीजन यही होता है कि सोडियम हर एक चीज के साथ को ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है ना, वो तो डिपेंड करता है पेशेंट किस स्टेज पे आपके पास आया है, किस लेवल का उसको एडीएस की डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, तो प्लीज इसको एक दफा रिपीट कर दो यार माइक ऑन करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये डायबिटीज इंसिपिडस, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है ना, इसका जो बहुत ज़्यादा जो यूरिन जो है उसका अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इस जो जो इतना शुगर का लेवल जो होता है ना वो कम होता है, इसमें शुगर जो है वो नहीं आ रही होती। ठीक है, तो लेकिन जो डायबिटीज इंसिपिडस है इसमें एक तरह से यूरिन आ रहा होता है, लेकिन हम कह सकते हैं विदाउट शुगर आ रहा होता है। ठीक है, क्योंकि डायबिटीज मिलाइटस में भी शुगर जो है वो आ रही होती है, और आपके एक तरह से यूरिन की अमाउंट जो होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है इसमें। लेकिन इसमें हमने जो है ना एक जो अटाई पढ़ी है उसको हम कहते हैं सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। अब सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है कि मतलब कि आपका एक तरह से जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस का जो आपका सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है, वहां से क्या होता है कि आपका जो एडीएच होता है ये रिलीज हो रहा होता है। फिर ये एडीएच जो होता है आपका हाइपोथैलेमिक जो एक्सिस होता है, मतलब जो वेसल्स होती हैं उनके थ्रू आपके जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाता है, फिर वहां से जो है वो रिलीज हो जाता है। अब क्या होता है कि इसने इसके दो रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे उसने एक्ट करना होता है, आपके V1 और V2 रिसेप्टर होता है। जो आपका V1 रिसेप्टर होता है ये आपकी ब्लड वेसल्स के ऊपर होता है, और जब इसके ऊपर आपका एडीएच जो है ये एक्ट करेगा, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज करवा देगा। जो आपका V2 है ये आपका जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पे होता है, वहाँ के जो प्रिंसिपल सेल्स होते हैं वहाँ पे एक्ट करता है, और एक्वापोरिन्स के जो चैनल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन करवाता है, और एक तरह से जो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा करवाता है। यानी कि हमने देखा कि ये क्या करवाएगा, आपकी जो एक तरह सीरम ऑस्मोलैलिटी होगी ना उसको कम करेगा, और यूरिन की जो ऑस्मोलैलिटी होगी उसको एक तरह से इंक्रीज करेगा। लेकिन अब इस पेशेंट में क्या है कि एक सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है, इसमें पेशेंट में क्या होता है कि हो सकता है उसका आरटी हो सकता है उसको क्या हो कि मतलब कि एक फीमेल है, फीमेल में जो है पोस्टपार्टम में हेमरेज ज्यादा हो, उसको शिहान सिंड्रोम हो चुका हो, या फिर उसका कोई भी क्रेनियोफ्रेंजियोमा हो, ठीक है, इस तरह की कंडीशन डिवेल्प हो चुकी है, और उसका एक तरह हाइपोथैलेमस ब्रेन या उसका एक तरह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डैमेज हो चुका है, और आपका जो एडीएच है वो अब जो आपके ब्रेन से जो है वो एक तरह से कम रिलीज हो रहा है, तो इसके जितने भी फंक्शन होंगे वो अपोजिट हो जाएंगे। अब अपोजिट का क्या मतलब होगा कि आपका जो यूरिन होगा वो ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो सीरम ऑस्मोलैलिटी है जो होगी वो एक तरह से बढ़ जाएगी, ठीक है, और आपका जो यूरिन ऑस्मोलैलिटी होगी वो एक तरह से कम हो जाएगी, यानी कि डाइल्यूटेड यूरिन होगा इस पेशेंट में, और इसका जो एक तरह से ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, और ये पेशेंट जो है हाइपोटेंशन की तरफ जा सकता है, ठीक है, और इसमें एक तरह से मतलब कि और इसमें हम क्या बता सकते हैं कि मतलब यही चीजें इसमें जो है एक तरह से हम देख रहे होते हैं, और इसको पोलीयूरिया और ओके पोलीडिप्सिया की जो सिम्टम्स होंगे ये होते हैं। ओके, पेशेंट आ रहा होता है ना वो पोली यूरिया और पोली डिप्सिया की प्रेजेंटेशन के साथ, और होता है वेरी गुड तकीर, अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा
अब फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट का सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस हो गया, हमने इस पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है? देखें, हमने इस पेशेंट को डायग्नोज ऐसे करना है कि इसके अंदर ना हम वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। हमारे पास पेशेंट आया, उसने आके हमें कहा जी हमें पोलियूरिया, मुझे पोलियूरिया हो रहा है, पोलीडिप्सिया हो रहा है। हमने उसकी यूरिन की ऑस्मोलैलिटी देख ली, सीरम की ऑस्मोलैलिटी देख ली, हमें डाउट हो गया इस पेशेंट के अंदर क्या सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है। हमने अब इस पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है? हमने इस पेशेंट को ये करना है कि हमने उस पेशेंट का ना 8 घंटे के लिए पानी रोक देना होता है, ठीक है? कितनी देर के लिए? 8 आवर्स के लिए आपने वाटर रिस्ट्रिक्शन कर देनी उस पेशेंट की। नॉर्मल ये होता है कि जब किसी पेशेंट के अंदर आप वाटर रिस्ट्रिक्शन कर रहे होते हो ना, तो आपका क्या होता है, एडीएच एक्टिवेट होता है। वो क्या करता है, आपके वाटर को रीअब्जॉर्ब कर रहा होता है, जो थोड़ी बहुत आपके आपका वाटर होता है उसकी जो रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शन की हुई है, जितना हमारे पास वाटर होता है वो सिर्फ उसको रीअब्जॉर्ब कर रहा होता है, लेकिन जो आपके आयन्स होते हैं ना, वो उसको यूरिन में फेंकने लग जाता है, ठीक है? ताकि आपका कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो, ना कि डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस हो, क्योंकि हमें वाटर की जरूरत है अभी, ठीक है? लेकिन हम इसके इस पेशेंट के अंदर जब ये वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर हमें कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन नहीं मिलता होता, यूरिन की ऑस्मोलैलिटी नहीं इंक्रीज कर रही होती, यही चीज बता रही होती है कि इसका एडीएच सही तरह काम नहीं कर रहा, सेंट्रली प्रोड्यूस नहीं हो रहा इसका एडीएच, ठीक है? वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट की समझ आ गई? हाँ जी, ये वाला टेस्ट की समझ आ गई, हम वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट क्यों करेंगे? ओके जी, अगर समझ में आ गई। अच्छा, साथ इसके अंदर लिख लें, हम ब्लड की ऑस्मोलैरिटी भी चेक करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, हम यूरिन की ऑस्मोलैरिटी भी चेक करेंगे, वो भी करेंगे, ठीक है? और देखें, और हम क्या कर सकते हैं, देखें ब्लड भी देख लिया, यूरिन भी देख लिया, क्या हम इसके अंदर आयंस का लेवल चेक करेंगे? हाँ जी, बताएं जल्दी 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 बताएं, आयंस का लेवल चेक करेंगे? अच्छा, रिपीट कर दूं तो की लास्ट वाला पॉइंट देखो बच्चे, नॉर्मली पता क्या होता है, हम ना वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट कर रहे होते हैं सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस को देखने के लिए। जब हम वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट करते हैं ना, हम पेशेंट का 8 घंटे के लिए क्या करते हैं, वाटर को रोक देते हैं, ठीक है? जब आपको पता है कि आपने उसका 8 घंटे के लिए वाटर रोक दिया है, जो उसकी बॉडी में थोड़ा बहुत वाटर पड़ा हुआ, अब आपको पता है कि सर्वाइव करने के लिए वाटर तो इंपॉर्टेंट चीज है ना आपकी, तो जब आपने उसका 8 घंटे के लिए पानी रोक दिया, तो आपका एडीएच एक्टिवेट होगा। एडीएच क्या करेगा, जो थोड़ा बहुत आपके पास वाटर पड़ा होगा ना बॉडी में, उसको ही रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, ठीक है? जब वो उसको रीअब्जॉर्ब कर देगा, तो काफी हद तक जो कंडीशन है वो कंपनसेट हो जाएगी, ठीक है? आयंस को यूरिन में फेंकने लग जाएगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब करने लग जाएगा, ठीक है? लेकिन जब सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस का पेशेंट है, एडीएच उसके अंदर बच्चों है ही नहीं, ठीक है? जो थोड़ा बहुत उसके अंदर वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा था, क्या वो होगा? नहीं होगा, वो भी बाहर जाता रहेगा, ठीक है? आयंस फिर उसके अंदर रिटेन होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आयंस रिटेन होना स्टार्ट हो जाएंगे, बाहर यूरिन में नहीं जा रहे, तो कंसंट्रेटेड यूरिन तो बनेगा नहीं। अगेन इस पेशेंट के अंदर कौन सा यूरिन बनेगा, डायलेटेड यूरिन बनेगा, ठीक है? कौन सा, डायल्यूटेड यूरिन बनेगा। समझ आ गई? हाँ जी, अब समझ में आ गई है? यूरिन की ऑस्मोलैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मली क्या होना चाहिए था यूरिन की ऑस्मोलैलिटी पे? हाँ जी, नॉर्मली क्या होना चाहिए था, बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी यूरिन की ऑस्मोलैलिटी? जब आपने पानी रोका है, आयंस बाहर जाने चाहिए थे ना, बढ़नी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं बढ़ेगी इसके अंदर, सेम रहेगी उसके अंदर, ठीक है? समझ आ गई अब ये वाला पॉइंट? ओके जी, अगर समझ में आ गई, ठीक है। वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट, 1 मिनट बचो। हाँ जुनेद, मैं आपको बताता हूँ आगे, वो डेसोप्रेसिन ट्रीटमेंट बनेंगे ना, अभी रुक जाओ अभी जरा, अभी सिर्फ हम डायग्नोज कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, क्या इसके अंदर आयंस का लेवल चेक करेंगे, जो हम डायग्नोज कर रहे हैं इस पेशेंट के अंदर आयंस का लेवल चेक करेंगे, तो किस आयन का लेवल बड़ा होगा? हाँ जी, स्पेसिफिकली किस आयन का लेवल बड़ा होगा? सोडियम का लेवल ही बड़ा होगा इसके अंदर बच्चों, सोडियम का लेवल बड़ा होगा, ठीक है? हाइपरनेट्रीमिया देखेंगे इसके अंदर हम स्पेसिफिकली, बाकी आयन भी बढ़ते हैं इसके अंदर, ये नहीं कि बाकी आयन नहीं बढ़ते, वो भी बढ़ते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो सबसे ज्यादा लेवल होता है वो आपका हाइपरनेट्रीमिया हो रहा होता है, ठीक है? आपने आयंस का लेवल देख लिया, सीरम की ऑस्मोलैरिटी देख ली, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी देख ली, ठीक है? आपने वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट कर ली, आपको जी पता चल गया इस पेशेंट को क्या है, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है, इसका एडीएच प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। अब आप मुझे ऐसा ड्रग बताएं, स्पेसिफिकली आपने कई दफा पढ़ा होगा कि जो इसका लेवल को, एडीएच के लेवल को इंक्रीज कर रहा होता है, किसी को पता है? ये मैंने ही आपको एंडो की फार्मा में पढ़ाया था लास्ट टाइम। वेरी गुड शराज, डेस्मोप्रेसिन। वेरी गुड जुनेद, डेस्मोप्रेसिन देंगे इसके अंदर। डेस्मोप्रेसिन क्या करता है आपके, किस इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? हाँ जी, डेस्मोप्रेसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये बच्चों आपके बॉडी में एडीएच के लेवल को इंक्रीज करवाता है, आपके हाइपोथैलेमस से एडीएच को रिलीज करवा रहा होता है, ठीक है?
तो जब देखिए सेंट्रल डायबिटीज एंड स्पाइडस में किसी रीजन की वजह से आपका एडीएस क्या हो रहा था, रिलीज नहीं हो रहा था, हमने ऐसा ड्रग दिया जिसकी वजह से एडीएस की प्रोडक्शन ज्यादा हुई, डेस्मोपिरेसिन ने क्या किया, जाके उसको रिलीज करवाया, पहली बात ये। दूसरी बात ये बताएं कि एडीएच आपके कौन से फैक्टर को, सॉरी ये डेस्मोपिरेसिन आपके कौन से फैक्टर को एक्टिवेट करता था, विच क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता था। वेरी गुड शिराज, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 को एक्टिवेट करता था, ठीक है। अब आपको पता है एक्टिवेट हुआ तो वॉन वॉलबेंट फैक्टर भी हुआ, तो वो कंप्लीट आपकी क्या करवा रहे होते हैं, कोगुलेशन कास्केड वगैरह बना रहे होते हैं, ठीक है। वो हम हीमाटोलॉजी में देखेंगे। बस इतना याद रख लें कि ये जो आपका डेस्मोपिरेसिन होता है, ये आपके फैक्टर 8 को एक्टिवेट करवा रहा होता है, ठीक है। हमारी बातें समझ में आ गई। अब मुझे ये बताएं फॉर एग्जाम्पल कि अब इस पेशेंट के अंदर हमने बाहर से जब इसको एडीएच दे दिया, डेस्मोपिरेसिन इज एडीएच, तो मुझे ये बताएं इस पेशेंट के अंदर क्या इसके अंदर अब पोलीयूरिया होगा। हाँ जी जल्दी जल्दी बताएं, क्या पोलीयूरिया होगा अब, नहीं होगा। पोलीडिप्सिया होगा, क्या पोलीडिप्सिया होगा, नहीं होगा। सीरम ऑस्मोलैरिटी पे क्या फर्क आना शुरू हो जाएगा, सीरम ऑस्मोलैरिटी पे क्या फर्क आना होगा शुरू हो जाएगा। हाँ जी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, कम कर देगी। यूरिन की ऑस्मोलैरिटी पे क्या फर्क होगा, ज्यादा होगी कि कम होगी, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर देगी। वेरी गुड, ठीक है। बस इसीलिए आप क्या देना है भाई, अंदर आप डीएच एनालॉग देंगे जिसकी वजह से आपका क्या हो जाए, आपसे आपके जो ब्रेन से आपका एडीएच था वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए। ये सारा था आपका क्या, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपाइडस। अब बात करते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपाइडस। नेफ्रोजेनिक, सबसे पहले बताएं नेफ्रोजेनिक का मतलब क्या है। हाँ जी, नेफ्रोजेनिक का मतलब क्या है, नेफ्रोजेनिक का मतलब क्या है, नेफ्रोजेनिक, ठीक है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपाइडस। इसके अंदर पता क्या हो रहा था, देखिए इसके अंदर ये हो रहा होता है कि जी किडनी में प्रॉब्लम हो रही होती है ना, नेफ्रॉन्स के अंदर, किडनी के अंदर इसके अंदर प्रॉब्लम हो रही होती है। जब भी आपने नेफ्रोजेनिक का नाम सुना है ना वर्ड का, इसका मतलब ये कि किडनी की अब बात हो रही है। अब जो इशू होगा बच्चे, वो इसके किधर होगा, किडनी पे होगा, नंबर वन। अब आप मुझे बताएं किडनी के भी किस रीजन पे होगा, हाँ जी किडनी के भी किस जगह पे होगा। आपका एडीएच कहाँ काम कर रहा था, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे कर रहा होता था, ठीक है, किन चैनल्स पे करेगा, हाँ जी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे करेगा, जी बिल्कुल, किन चैनल्स पे करेगा, एक्वापरिन टू पे करेगा, ठीक है, एक्वापरिन टू पे ये स्पेसिफिकली एक्ट करेगा। अब आप मुझे बताएं कि जो आपका किडनी से एडीएच रीअब्सॉर्ब, एडीएच एक्टिवेट होके वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करवा रहा था, क्या ये इंक्रीज करवाएगा, हाँ जी क्या ये इंक्रीज करवाएगा, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा, नहीं करवाएगा। तो अगेन इसके अंदर वही सारे फीचर देखोगे, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेज, सॉरी पोलीडिप्सिया, ठीक है, पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये दो फीचर देखेंगे इसके अंदर हम स्पेसिफिकली, उसको यूरिन ज्यादा आ रहा है, उसको प्यास ज्यादा लग रही है। अच्छा अगर तो आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी कॉज है कि जो आपको नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपाइटिस करवा सकती है, आपने बताना है कि एक ड्रग होता है स्पेसिफिकली लिथियम ड्रग, ठीक है। दूसरा आपने बताना है इसके अंदर कौन सी हो सकती है, डेमिक्लोसाइक्लीन, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि लिथियम हम किसके अंदर देते हैं, किस ट्रीटमेंट में लिथियम दे रहे होते हैं, और डेमिक्लोसाइक्लीन किस ट्रीटमेंट में दे रहे होते हैं, हाँ जी किसी को पता है, वेरी गुड, बाइपोलर डिसऑर्डर में दे रहे होते हैं, वेरी गुड तकीर, बाइपोलर में दे रहे होते हैं, और किसके अंदर, ये डेमिक्लोसाइक्लीन किसके अंदर दे रहे होते हैं बच्चों, डेमिक्लोसाइक्लीन है क्या, मैं मुझे ये बताएं पहले, व्हाट इज डेमिक्लोसाइक्लीन, बड़ी नहीं है, वेरी गुड, तो की एंटीबायोटिक है ये, कौन सी एंटीबायोटिक है ये, कौन सी है ये, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं किस क्लास की है ये ड्रग, किस क्लास की है ये, बच्चों ये टेट्रासाइक्लीन है, तो की मैक्रोलाइड्स नहीं है, टेट्रासाइक्लीन है ये, टेट्रासाइक्लीन, ठीक है, टेट्रासाइक्लीन है ये, ठीक है, ये टेट्रासाइक्लीन, डेमिकोसाइक्लीन ये उसका ग्रुप है, ठीक है, टेट्रासाइक्लीन ग्रुप की ये ड्रग है। अब फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आया आपके पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ आया, आपने उसके अंदर दे दी क्या बच्चों, ये डेमिकोसाइक्लीन दे दी, जब आपने उसके अंदर डेमिकोसाइक्लीन दे दी, उसने इसको एक्सेस में यूज कर लिया, एक्सेस में यूज करने की
से वो आपको पता है कि इसमें किधर से एक्सक्रीट होना होता है बच्चों, आपके किडनी से एक्सक्रीट होना होता है ना इस ड्रग ने, इसका मेटाबॉलिज्म क्या है, इसने किडनी से एक्सक्रीट होना होता है। जब आपने उसको डेमिकोसाइक्लिन एक्सेस में दे दी, इसने जाके क्या करना है, इसके किडनी के एक्वापोरिन चैनल टू को क्या कर देना है बच्चों, डैमेज कर देना है। जब इसने एक्वापोरिन टू के चैनल को डैमेज कर देना है, V2 को डैमेज कर देना है, तो क्या बच्चों ADH काम कर सकेगा उसके अंदर? हाँ जी, ADH काम कर सकते करेगा उस पेशेंट के अंदर? नहीं करेगा उस पेशेंट के अंदर, ठीक है। तब अब ADH काम नहीं करेगा तो सारे फीचर वही नहीं उसको आएंगे, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, उसके अंदर फिर और क्या होगा, सीरम ऑस्मोलैरिटी पे इफेक्ट आएगा, यूरिन ऑस्मोलैरिटी पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। ये सारी चीज उसके अंदर हम दोबारा उस पेशेंट के अंदर देखेंगे। अच्छा, किसी को पता है इस पेशेंट को कैसे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे? हाँ जी, किसी को पता है इसके अंदर हम वो दे सकते हैं, वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट से कोई फर्क पड़ेगा इस पे? अगेन बच्चों, वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगेन उसके V2 के रिसेप्टर पे बच्चों इफेक्ट है ना, तो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन तो फिर नहीं हो रही, इन शॉर्ट वाटर फिर रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपने सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस से पढ़ा था ना कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा था आपके वाटर डिप्रिवेशन करने से, आपका नेफ्रोजेनिक के अंदर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके अंदर रिलीज नहीं हो रहा था, इसके अंदर चैनल ही काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसा कोई फर्क इसके अंदर नहीं पड़ेगा। हमने इस पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास आया ना एक पेशेंट आया है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपाइटिस का, उसके उसके अंदर हमने क्या करना है, ट्रीटमेंट क्या देना होता है? हाँ जी, किसी को पता है क्या ट्रीटमेंट देंगे इसके अंदर हमने? उसके अंदर स्पेसिफिकली क्या इसके अंदर डेस्मोप्रेसिन दे सकते हैं, पहले मुझे ये बात तो बताए ना, क्या इसके अंदर इसके अंदर दे सकते हैं? हाँ जी, बेस्ट टेस्ट होता है ये, डिफ्रेंशिएट करता है उसको सेंट्रल को उसके साथ। क्या इसके अंदर डेस्मोप्रेसिन देगा, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। हमने क्या करना होता है बच्चों, ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, जो इसकी अंडरलाइन कॉज है हम उसको ठीक करेंगे। इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, वो बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है, वो लिथियम ले रहा है, तो क्या हम उसकी लिथियम को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर देंगे, भाई ये वाला ड्रग ना लो? हाँ जी, ये ड्रग ना लो, हम कहेंगे उस पेशेंट के अंदर, उसके अंदर लिथियम को रोक देंगे। दूसरी बात, एक पेशेंट आया, उसको क्या था, इन्फेक्शन था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की हिस्ट्री के साथ आया, हम उसको क्या दे रहे हैं, डेमिकोसाइक्लिन दे रहे हैं, हम क्या करेंगे, डेमिकोसाइक्लिन को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर देंगे कि अब ये वाली एंटीबायोटिक ना दो, इसका ग्रुप चेंज कर लो या क्लास चेंज कर लो, टेट्रासाइक्लिन पे आ जाओ, हम उसकी क्लास चेंज कर देंगे, ट्रीट द अंडरलाइन कॉज। दूसरा, इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर हाइपरनेट्रीमिया हो रहा था, मैंने आपको बताया था इसके अंदर भी हाइपरनेट्रीमिया होगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्ट को कम देंगे इस पेशेंट के अंदर, कि सॉल्ट की रिस्ट्रिक्शन करे, ठीक है। वाटर इंटेक उसका क्या कर देंगे भाई, कम कर देंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसके V2 पे क्या है, V2 क्या है उसका, काम ही नहीं कर रहा, तो वाटर जितना मर्जी पी जाए तो क्या उसको फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और इसके अंदर क्या कर सकते हैं? हाँ जी, एक ड्रग पड़ी थी हमने स्पेसिफिकली, थायजाइड डायुरेटिक्स भी देंगे, वेरी गुड। थायजाइड डायुरेटिक्स क्यों देंगे? हाँ जी, अब आप मुझे ये बताएं, थायजाइड डायुरेटिक्स इस पेशेंट के अंदर क्यों देंगे, किसी को पता है? थायजाइड डायुरेटिक्स एमिलोराइड देंगे इसके अंदर? जी, थायजाइड डायुरेटिक्स क्यों देंगे, किसी को पता है? थायजाइड फ्लूइड इंक्रीज है इस पेशेंट, बच्चे फ्लूइड कैसे इसके अंदर इंक्रीज है? थायजाइड का क्या फंक्शन होता था आपके, सोडियम और पोटाशियम की रीअब्सॉर्प्शन को नहीं ब्लॉक कर रहा होता था, तो इसके अंदर आयंस ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या हम थायजाइड डायुरेटिक्स के अंदर दे सकते हैं, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड देंगे, ताकि जो सोडियम पोटाशियम है ज्यादा से ज्यादा यूरिन में जाए? हम इस पेशेंट के अंदर थायजाइड डायुरेटिक्स भी दे सकते हैं। क्या हम इस पेशेंट के अंदर एमिलोराइड दे सकते हैं? मैंने बेसिक्स में आपको इसका एक फंक्शन बताया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको एमिलोराइड का एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया था। हाँ जी, किसी को याद है एमिलोराइड का, एमिलोराइड एमिलोराइड किसी को याद है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? बच्चों, ये आपकी सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन को कम करता था, आपके एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट था ये, ठीक है। हमने क्या कहा, इस पेशेंट के अंदर हाइपरनेट्रीमिया और है, तो हम ऐसे ड्रग नहीं देंगे जो इसकी सोडियम की इसकी रीअब्सॉर्प्शन को ब्लॉक कर दे, तो अमीलोराइड और ट्राइमटरीन इसके अंदर लिख लें, दूसरा ड्रग उसका भी यही है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये दोनों क्या करते हैं, आपके एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं और सोडियम की बॉडी में रीअब्सॉर्प्शन नहीं होने दे नहीं दे नहीं होने देती। इसका जो हमने ट्रीटमेंट प्रॉपर करना है, वो क्या करना है इस पेशेंट के अंदर, ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, जिस वजह से हो रहा है उसको हम ट्रीट करेंगे बस, ठीक है। इसके अंदर यही करते होते हैं। हाँ जी, समझ में आ गई ये वाला सारा टॉपिक? यार दो लाइनें लिखी हैं, एक लाइन मेरे ख्याल में आपकी बुक में। ओके जी, इतनी डिटेल में चलेंगे, ओके। अच्छा जी, चलो ठीक है, अगर समझ में आ गई है तो। अच्छा, आगे देखते हैं आप कौन सा, SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन।
ठीक है, SIADH। SIADH में पता क्या होता है, आपका जो ADH है ना बच्चों, वो ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। अब ADH ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा, ADH का क्या नॉर्मल फंक्शन था, वाटर की बच्चों क्या करवाना, बॉडी में रीअब्सॉर्प्शन करवाना, यही था ना इसका फंक्शन। अब देखिए जब ADH ज्यादा रिलीज हो रहा है तो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा नहीं होगी इस पेशेंट के अंदर। मुझे आप ये बताएं कि सीरम की ऑस्मोलैरिटी पे अब क्या इफेक्ट होगा। हाँ जी, जब आपका ADH ज्यादा काम कर रहा है, सीरम की ऑस्मोलैरिटी भी कम होगी कि ज्यादा होगी? वेरी गुड सर, सीरम की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। यूरिन की ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी क्या कम होगी इस पेशेंट के अंदर? हाँ जी, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करेगी। वेरी गुड जनेद, क्यों इंक्रीज करेगी इस पेशेंट के अंदर? हाँ जी बताएं साथ साथ। वेरी गुड सिराज, बाकी सारे भी पार्टिसिपेट करें। यूरिन की ऑस्मोलैरिटी क्यों इंक्रीज करेगी इस पेशेंट के अंदर? जब आपको पता है वाटर ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो आयंस बाहर नहीं जाएंगे, तो जब आयंस बाहर जाएंगे यूरिन की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज नहीं करेंगी। किस टाइप का हम यूरिन देखेंगे, कंसनट्रेटेड होगा कि डायल्यूटेड होगा? हाँ जी वेरी गुड, इसके अंदर क्या होगा बच्चों, कंसनट्रेटेड यूरिन होगा। ये भी आप लिख लें, इसके अंदर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा। ये सारे इसके अंदर हम अभी मजीद इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले तो हम लिखते हैं इसकी कॉजेज, ऐसी कौन कौन सी कॉजेज हैं जो करवा सकती हैं एक्टॉपिक एडीएच प्रोडक्शन। एक्टॉपिक एडीएच क्या होता है, पहले तो ये तो बताए ना, एक्टॉपिक का क्या मतलब होता है? हाँ जी, आपने कहीं और भी पढ़ा होगा एक्टॉपिक, कुशिंग के अंदर हमने पढ़ा था ना एक्टॉपिक प्रोडक्शन होती किसी और जगह से, तो किसी और जगह का स्पेसिफिकली मुझे ये बताया। मैंने नहीं, सर ने आपको पढ़ाया होगा फेक। जी वेरी वेरी गुड, इसको फेक बोलते हैं, किसी और जगह से प्रोड्यूस हो रही ना चीज, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टॉपिक बोलते हैं। अब ऐसी कौन सी डिजीज है, हमने लंग कैंसर के अंदर पढ़ा था आपकी पैथोमा की बुक में, साइड बॉक्स पे लिखा हुआ था कि लंग कैंसर बेसिकली कौन सा, मोस्ट लाइकली स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। ये भी क्या करती है बच्चों, आपकी एडीएच की प्रोडक्शन को ज्यादा करवा रही होती है विद द हेल्प ऑफ पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। याद आया, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम होगा इस पेशेंट के अंदर, वो क्या करेगा आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच को ज्यादा से ज्यादा रिलीज करवाएगा। तो जब आपका एडीएच ज्यादा से ज्यादा रिलीज करेगा तो एडीएच का क्या नॉर्मल फंक्शन होता था, वही सारा जो मैंने आपको जितने क्लिनिकल फीचर ऊपर बताया ना अभी, सीरम ऑस्मोलैरिटी पे क्या फर्क आ रहा है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी पे क्या फर्क आ रहा है, ठीक है, जो चीजें बताई है वो सारी इसके अंदर आप ऐड खुद ही कर लीजिएगा। अच्छा, एक तो होगी एक एक टॉपिक पे एडीएच प्रोडक्शन, दूसरी होती है एंटी कैंसर ड्रग्स, मोस्ट लाइकली कौन सी, साइक्लोफोस्फामाइड वगैरह होगी, ठीक है। ये भी क्या करती हैं आपकी, जाके जब ब्लड में आती हैं तो ये क्या करती हैं, इसकी प्रोडक्शन को ज्यादा कर देती होती हैं। किसकी प्रोडक्शन को, एडीएच की प्रोडक्शन को ये ज्यादा कर रही होती हैं, ठीक है। और कौन सा होता है, कोई ना कोई सीएनएस ट्रॉमा हो गया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके ट्रॉमा की वजह से आपके सिर्फ प्रोडक्शन कम हो, कुछ ऐसे ट्रॉमा होते हैं जो आपके प्रोडक्शन को इंक्रीज भी करवा सकते हैं, आपका ऑर्गन ज्यादा काम करना शुरू हो सकता है, ठीक है। सीएनएस ट्रॉमा की वजह से भी क्या हो सकता है बच्चों, एसआईएडीएच हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ट्यूमर वाला क्वेश्चन पहले भी तो कीर ने पूछा था कि ट्यूमर की वजह से प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रही होती, जरूरी नहीं है कि हर ट्यूमर आपकी प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा हो, कुछ कम भी कर रहे होते हैं। हमने प्रोलेक्टिनोमा वाले पेशेंट के अंदर पढ़ा था कि जी उसके अंदर सेक्रीशन ज्यादा हो रही होती है, लेकिन लेकिन हमने इधर क्या पढ़ा है, इसके इसके अंदर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर अगर हाइपोथैलेमस का ट्यूमर है तो वो उसकी प्रोडक्शन को कम कर रहा है, उसके रिलीज को कम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह सीएनएस ट्रॉमा भी क्या करवा सकता है, इसकी प्रोडक्शन को ज्यादा करवा सकता है, ठीक है। कि तीन से चार ऐसे इंपॉर्टेंट कॉज जो आपने याद रखना है, इसमें से जो मोस्ट कॉमन कॉज था ना वो बच्चों क्या था, स्मॉल सेल कार्सिनोमा था, ठीक है, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा था, ये नहीं भूलना। एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन पूछता है ऐसे एडीएच में से, वो सिर्फ इसको साथ एसोसिएट करके प्लस वो एडीएच के ये फीचर दे देगा, ऐसा एडीएच के फीचर दे देगा, फिर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है, ये नहीं बोलना आपने। अगर फॉर एग्जाम्पल देखें ऐसे कौन कौन से क्लिनिकल फीचर हैं ये जो इस पेशेंट के अंदर आ सकते हैं, अब आप मुझे खुद लिखवाएं इसके अंदर कौन कौन से क्लिनिकल फीचर होंगे। हाँ जी, कौन कौन से क्लिनिकल फीचर होंगे अगर एक किसी पेशेंट के अंदर ऐसे एडीएच होगा, बारी बारी करके लिखवाते हैं। बोलो, सीरम ऑस्मोलैरिटी क्या होगी इसके अंदर बच्चों, कम होगी, वेरी गुड। यूरिन की ऑस्मोलैरिटी पे क्या फर्क आएगा, क्या आएगा, इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा जी, इसके अंदर अभी बताता हूँ ये वाला पॉइंट, इसके अंदर सीरम ऑस्मोलैरिटी क्या कर, यूरिन ऑस्मोलैरिटी ज्यादा कर रही है इसके अंदर ना बच्चों, यू वोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया होता है। किसी को पता है बच्चों यू वोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया क्यों हो रहा है इस पेशेंट के अंदर? हाँ जी, किसी को पता है किसी इसके अंदर क्यों हो रहा है यू वोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया? यू वोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया वाटर सोडियम लो होगा, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। और बच्चों देखो
हमने जब भी एक चीज पढ़ी थी ना कि जहां पे आपकी सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन हो रही होती है ना, देखिए मेरी बात सुने, हमने जो नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ी थी, जी, एएनपी बीएनपी फ्लूइड बाहर, वो अभी बताते हैं, वो फ्लूइड को तो बाहर फेंकते ही है ना, वो हम दे सकते हैं इसके अंदर, एक मिनट, वो हम बाद में इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने इसके अंदर एक चीज पढ़ी थी कि जब भी बच्चों हमारी बॉडी में सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन हो रही होती है ना, साथ वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हो रही होती है, यही बात की थी ना। अब इस पेशेंट के अंदर वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, तो क्या सोडियम तो इसके अंदर रिटेन होना चाहिए ना, सोडियम भी तो रिटेन हो ना, सोडियम और इसके वाटर के को ट्रांसपोर्टर जो हमारे पास होते हैं, उसको भाई वाटर को भी रीअब्सॉर्ब करना चाहिए बॉडी में, क्यों रीअब्सॉर्ब नहीं करेगा? जरूरी नहीं है कि अगेंस्ट द बॉडी हमारे चले, इस केस में बॉडी हमें फायदा दे रही है, कैसे? वो देखेगी कि वाटर ऑलरेडी इतना ज्यादा बॉडी में, वो क्या करेगी, वो खुद सोडियम को यूरिन में फेंकना शुरू कर देगी, ठीक है? नॉर्मली ये दोनों एक साथ को ट्रांसपोर्टर के जरिए रीअब्सॉर्ब हो रहे होते हैं बॉडी में, लेकिन जब वो देखेगी वाटर इतना ज्यादा बॉडी में आ रहा है, एडिमा आ रहा है इस पेशेंट के अंदर, वो क्या करेगी, सोडियम को बाहर फेंक देगी। अगर अब जब वो सोडियम को बच्चों बाहर फेंकेगी, इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, यूवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। इसमें एक बड़ा मजे का क्वेश्चन आता है, क्या इस पेशेंट के अंदर एडिमा होगा? आपने कहना नहीं, इस पेशेंट के अंदर एडिमा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि भाई कंपनसेटरी मैकेनिज्म के जरिए आपका सोडियम बाहर जा रहा है, दिस इज नोन एज यूवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। समझ आ गई? फ्लूइड जरूर ओवरलोड हो रहा है, लेकिन वो एडिमा नहीं कर दे रहा, क्यों? क्योंकि साथ वो सोडियम खुद इटसेल्फ बाहर जा रहा है, दिस इज नोन एज यूवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या हो रहा है, हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है। अच्छा रिपीट कर दूं ये वाला पॉइंट, देखो तो कीर पता क्या है, जब आपकी हमने नॉर्मल ये पता है सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन होती है वाटर साथ रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है, ये वाटर जा रहा हो तो सोडियम एक साथ रीअब्सॉर्ब बॉडी में हो रहे होते हैं। आपने जब ये ट्यूब्यूल्स की फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, वहां पे आपने यही चीज पढ़ी थी ना कि सोडियम जाता है तो वाटर भी जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक बॉडी में पता चल गया, बॉडी को पता है इसकी ये डिजीज चल रही है, ऐसा एडीएच है, इसके अंदर फ्लूइड ज्यादा है, तो बॉडी एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म के जरिए ना आपके सोडियम को बाहर फेंकना शुरू कर देगी। अगर वो सोडियम को भी रिटेन करेगी ना थोड़ा बहुत, तो वो पता क्या करेगी, वो और ज्यादा वर्स कंडीशन हो जाएगी, आपका जब सोडियम रिटेन होगा और वाटर रिटेन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो बॉडी एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म के जरिए आपका जो सोडियम होता है ना वो यूरिन में फेंकना शुरू कर देती है। जब वो यूरिन में फेंकना शुरू कर देगी तो बॉडी में सोडियम कम हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, दिस इज नोन एज यूवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। एक क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछता है कि क्या ऐसे एडीएच वाले पेशेंट के अंदर एडिमा हो सकता है? आपने कहना नहीं, एडिमा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई सोडियम बाहर फेंक रहा है वो ज्यादा से ज्यादा, जब वो सोडियम बाहर फेंकेगा तो वाटर भी थोड़ा बहुत बाहर जा रहा है, ठीक है, वाटर बॉडी में रिटेन उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए था। पहले 100 में से उसके पहले कितने मॉलिक्यूल हो रहे थे, 80 मॉलिक्यूल रिटेन हो रहे थे ना, तो सोडियम की वजह से भाई वो 70 रह जाएंगे, थोड़े बहुत रिटेन जरूर होंगे, इसीलिए इस पेशेंट के अंदर बच्चों एडिमा नहीं हो रहा होगा, सिर्फ फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है इसके अंदर, ठीक है? बस इतना आपने ये वाला पॉइंट याद रखना है, ये एग्जामिनर समटाइम वाइवा में पूछ लेता होता है कि अगर इसके अंदर रिटेन हो रहा है तो क्या इसमें एडिमा हो सकता है। आपने कहना नहीं जी, ये इसके अंदर एडिमा नहीं देख सकते हम इस पेशेंट के अंदर, क्यों? क्योंकि आपका सोडियम थोड़ा बहुत बाहर जा रहा होता है। एक कॉज ये होगी। दूसरा आपने पता है क्या लिखना है यहाँ पे, बात दूसरी कॉज पता है क्या होती है, बचे 1 मिनट, ओके अच्छा मैंने क्या बोला कि अगर जब भी आपको पता है, मैंने ऊपर एक ये भी बात की कि जब बॉडी में आपका आयन ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है ना तो वाटर को बाहर फेंक रहा होता है, ये बात हमने की ना, अब भाई इसके अंदर वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो क्या बाकी आयन्स को ये बाहर फेंकेगा? हाँ जी, बाकी वो तो बाहर फेंक रहा होगा ना, सोडियम को भी ये फेंक रहा होगा, लेकिन सोडियम इटसेल्फ खुद भी कंपनसेटरी मैकेनिज्म के जरिए बाहर जा रहा होता है, ठीक है? ये वाला मैंने पॉइंट यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया था, इसीलिए इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, यूवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है। अच्छा ये सारी चीजें तो हमने इस पेशेंट के अंदर देख ली, अब देखें मुझे ये बताएं कि क्या इस पेशेंट के अंदर, ये देखें फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मुझे ये बताएं क्या इस पेशेंट के अंदर सीजर हो सकते हैं, अगर सीजर होंगे तो क्यों होंगे? हाँ जी
हो सकते हैं ओके, बिकॉज सोडियम कम है। जब आपका सोडियम ही कम है तो एक्शन पोटेंशियल उतना सही तरह जनरेट नहीं होगा। तो जब उसका एक्शन पोटेंशियल सही तरह जनरेट नहीं होगा, ठीक है, हो रहा है, कभी उसको कभी सोडियम थोड़ा बहुत बॉडी में है, कभी उसको मैसेज मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा, कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा, इसी वजह से इस पेशेंट के अंदर क्या होगा बच्चों, इसके अंदर सीजर भी हम देख सकते हैं, ठीक है, ये भी क्लिनिकल फीचर के अंदर आप मेंशन कर लें। अब हमने इस पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर क्या हो गया कि SIADH हो गया, इसको हमने कैसे डायग्नोज करना है। अब आप मुझे बताएं सीरम की ऑस्मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, जल्दी जल्दी बताएं, इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। यूरिन की ऑस्मोलैरिटी के क्या क्या इफेक्ट आएगा बच्चों, इंक्रीज कर रही होगी इसके अंदर, ठीक है, ये दोनों आपने ये इसके अंदर चीजें देखनी होती हैं। अब आप मुझे स्पेसिफिकली एक बताएं कि जब भी आपकी आपकी बॉडी में जब भी फ्लूइड ओवरलोड हो रहा होता है तो ऐसे कौन से दो हार्मोन होते हैं जो रिलीज हो रहे होते हैं आपके आपके हार्ट से। हाँ जी, किसी को पता है? ANP BNP, वेरी गुड। ये मैंने आपको बेसिक्स में इनका फंक्शन भी बताया था, क्या इसका फंक्शन होता है वो याद है किसी को? हाँ जी, ANC, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। ANP एट्रिया से रिलीज हो रहा होता है जी, ठीक है। अब देखिए ANP पता क्या कर रहा होता है, ANP बेसिकली आपको क्या कर रहा होता है, फ्लूइड को ही बाहर फेंक रहा होता है, बस इतनी सी बात याद रख लें कि बच्चों ये फ्लूइड को क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा बॉडी से बाहर निकाल रहा होता है, इट्स मोर देन इनफ। मतलब इतना भी इसकी डिटेल में नहीं मैंने जाना कि क्यों करते हैं ये, कैसे करते हैं, वो आप सबको पता होता है, आपको पता है। हमने क्या करना है, देखना है जिसके अंदर ANP और BNP का लेवल कितना होगा। अच्छा मुझे ये बताएं दोनों में से स्पेसिफिक कौन सा ज्यादा होगा, ANP होगा कि BNP होगा, अगर वो होगा तो क्यों होगा। हाँ जी, इन दोनों में से भी कौन सा स्पेसिफिकली होगा। हाँ जी, तो की ANP के BNP, BNP BNP क्यों होगा इसके अंदर, तब भी मेरे ख्याल में तुकीर ने इसका आंसर दिया था, लाइफ टाइम ज्यादा है जी, बिल्कुल, इसका क्या है, इसकी हाफ लाइफ ज्यादा है, ये ज्यादा देर ब्लड में रहता है एज कम्पेयर टू ANP, इसीलिए क्या होगा कि BNP ज्यादा देर आपका क्या रहेगा ब्लड के अंदर, हम स्पेसिफिकली BNP का लेवल चेक करेंगे इसके अंदर, ठीक है, बस इतना इनफ है इसके लिए। हम क्या करेंगे यूरिन में, क्या और किसका लेवल चेक करेंगे, सोडियम का लेवल चेक करेंगे। मैंने आपको बताया ना सोडियम बाहर जा रहा है, यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, तो इसके अंदर भाई यूरिनरी सोडियम भी इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। चौथा टेस्ट हम इसके अंदर ये करेंगे। अब हमने इसको ट्रीट कैसे करना है मुझे ये बताएं, सबसे पहले क्या करेंगे, अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करेंगे, अंडरलाइन कॉज को कैसे ट्रीट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल उस पेशेंट के अंदर स्मॉल सा लंग कार्सिनोम है, पहले मुझे इसका बताएं कि क्या था इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या था, किसी को पता है हम इसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या देते थे लंग कैंसर के अंदर, डमीको, अच्छा और ये आपकी बुक की स्पेसिफिकली सीधी एक लाइन है बच्चों, कीमोथेरेपी नहीं कर रहे होते थे इसके अंदर, याद आया कि कोई नहीं आया, ये MCQs भी आया हुआ था, इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों लंग के कैंसर को ट्रीट करने के लिए कीमोथेरेपी कर रहे होते हैं, ठीक है, याद रखना ये वाला, ये आपकी फर्स्ट एड की ऊपर पैरे में पहली लाइन दूसरी लाइन लिखी हुई है, इसके बाद आप जाकर बेशक वहां पे देख भी लीजिएगा। अच्छा अंडरलाइन कॉज को हमने ट्रीट किया, दूसरा काम क्या करना है इसके अंदर, हमने आपने क्या करना है बच्चों, जो वो वाटर की क्या करनी है इसके अंदर, रिस्ट्रिक्शन करनी है। वाटर की रिस्ट्रिक्शन क्यों करनी है भाई, इसके अंदर रेडिएट ज्यादा रिलीज हो रहा है तो हम इट सेल्फ क्या करेंगे, वाटर की रिस्ट्रिक्शन कर देंगे। अच्छा इसके अंदर और क्या करेंगे मुझे ये बताएं, क्या इसके अंदर हम सॉल्ट टेबलेट दे सकते हैं, अगर देंगे भी तो क्यों देंगे। हाँ जी, सॉल्ट टेबलेट देंगे इसके अंदर, वेरी गुड, सीजर हो रहे तो उसको बचाने के लिए भाई हम सॉल्ट टेबलेट देंगे, थोड़ा बहुत सोडियम मेंटेन करेंगे बॉडी में इसका, ठीक है, आपने ये याद रखना है, थोड़ा बहुत मेंटेन करेंगे। तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात, हम इसके अंदर ऐसे ड्रग देते हैं जो ADH एंटागोनिस्ट होते हैं। हाँ जी, किसी को पता है कौन से ऐसे हैं जो ADH एंटागोनिस्ट होते हैं, ड्रग नाम क्या है इसका जो ADH को एक्ट नहीं करने देते होते। हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड शिराज, कोनीवेप्टोन और टॉलवेप्टोन, ठीक है, ये ड्रग क्या करते हैं बच्चों आपके सोडियम को, ये इसके ADH के सॉरी एंटागनिस्ट है। अगर तो फॉर एग्जांपल किसी के अंदर क्रोनिक ADH हो गया, काफी देर से वो ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो रहा है, ठीक है, 3 मंथ से ज्यादा की हिस्ट्री आ रही है, तो फिर हम इसके अंदर क्या ट्रीटमेंट देंगे। हाँ जी, फिर क्या देंगे, क्रोनिक के अंदर पूछते होते हैं, क्रोनिक SIADH के अंदर क्या ट्रीटमेंट देंगे भाई हम इसके अंदर, वेरी गुड तकीर, डेमिक्लोसाइक्लिन देंगे, ये क्या करेगा
आपके एक्वापरीन चैनल पे जाके एक्ट करेगा, वहां से आपकी क्या करेगा, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होने देगा, एडीएच की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होने देगा, बस इट्स मोर देन इनफ, बस इतना याद रखना। अगर पूछा जाए इनिशियल ट्रीटमेंट क्या, आपने बताना कि फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करेंगे, सॉल्ट टेबलेट देनी है तो क्यों देनी है इस पेशेंट के अंदर वो भी बताना है, बाकी सारी चीजें वही हैं, बेशक अपनी बुक खोल के देख लीजिएगा, वहां पर ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन की होंगी। ठीक है जी, अब आगे डिस्कस करते हैं कौन सा है, हाइपर पैराथायरायडिज्म, हाइपर पैराथायरायडिज्म कर लें कि या फियोक्रोमोसाइटोमा कर लें। हाँ जी, कौन सा टॉपिक करना है दोनों में से? भाई 5 मिनट, किसमें 5 मिनट जान? हाँ बस 5 मिनट में आपका फिर फियोक्रोमोसाइटोमा हो जाएगा भाई, इतना इतने पे तो नहीं ना होना, अभी तो पढ़ा ही कुछ नहीं है, तीन तो लाइनें पड़ी हैं, इस तरह आपका तो नहीं कंप्लीट होगा ये। ओके जी, करवा देते हैं। ओके जी, अच्छा ये फियोक्रोमोसाइटोमा करते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा में होता क्या पहले तो मुझे ये बताया ना, सारे ये आपको आता भी है, खुद ही भी आता है, फियोक्रोमोसाइटोमा किधर से किधर का ट्यूमर होता है? एड्रिनल मेडुला में होता है, कौन से सेल इसमें अफेक्टेड होते हैं? आपने बताना है क्रोमाफिन सेल इफेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि आपका एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर हो गया, मैंने तो कीरे भी देखना, इस ट्यूमर में भी आपकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ज्यादा रिलीज नहीं होगा इस पेशेंट के अंदर, जब आपका नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ज्यादा रिलीज हो रहा होता है तो नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन करता क्या, पहले तो ये बताएं नॉरएपिनेफ्रिन क्या कर रहा होता है, फिर बताएं एपिनेफ्रिन स्पेसिफिकली क्या कर रहा होता है। हाँ जी, अगर आपसे पूछा जाए नॉरएपिनेफ्रिन तो आपने बताना ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करवा रहा होता है, अल्फा 1 रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एपिनेफ्रिन क्या करता है तो आपने बताना है कि ये जो हार्ट पे आपके बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं उन पे जाके एक्ट करता है, और क्या करता है आपकी हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को इंक्रीज करवा रहा होता है, ठीक है। इन शॉर्ट ये क्या करवा रहे हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं करवा रहे? हाँ जी, ये ब्लड प्रेशर नहीं इंक्रीज करवा रहे, ये बच्चों आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा रहे होते हैं। अब आप देखिए जब आपका सिंपल, 1 मिनट यार, देखिए बताइए। ओके अच्छा जी, देखिए मैंने क्या बताया कि ये आपके एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को इंक्रीज करवा रहे हैं, सिंपथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करवा रहे हैं ना, तो जब आपका सिंपथेटिक सिस्टम ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट होगा तो क्या इस पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन होगी? जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, फिर इसको खत्म करें 4 से 5 मिनट में, हाइपरटेंशन इसके अंदर होगी? आपको ज्यादा से ज्यादा पसीना नहीं आएगा, डायफोरेसिस नहीं होगी इसके अंदर, जो हम स्पेसिफिकली अब मेडिकल टर्म में यूज करते हैं, तो इसके अंदर डायफोरेसिस देखेंगे हम इसके अंदर? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं, तब आपके हार्ट पे तो ज्यादा से ज्यादा जाके बीटा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर गया, तो टैकीकार्डिया देखेंगे इसके अंदर? टैकीकार्डिया होगा इस पेशेंट के अंदर, इस पेशेंट के अंदर टैकीकार्डिया भी होगा, तो आपको पता है जब टैकीकार्डिया होता है तो ज्यादा वर्स करे तो वो पाल्पिटेशन भी कर सकता है, बीट भी मिस हो सकती है, दिस इज नोन एज पाल्पिटेशन। क्या मैंने बताया, एपिसोडिक हाइपरटेंशन होगी इस पेशेंट के अंदर, एपिसोडिक हाइपरटेंशन क्यों, कभी वो ट्यूमर से नॉर्मल रिलीज हो रहा है, कभी वो बहुत एक्सेस में रिलीज हो रहा है, इसीलिए उसको कभी हाइपरटेंशन हो रही है कभी नहीं हो रही, एपिसोडिक हाइपरटेंशन हम इस चीज को बोलते होते हैं। डायफोरेसिस होगी इस पेशेंट के अंदर, टैकीकार्डिया हो सकता है, पाल्पिटेशन हो सकती है, ये सारी हमने फीचर देख लिए। अब फॉर एग्जाम्पल देखें किसी पेशेंट के अंदर ये फियोक्रोमोसाइटोमा हो गया, इसको हमने डायग्नोज कैसे करना है, ठीक है, इस पेशेंट को क्या करना है, डायग्नोज कैसे करना है, मुझे जल्दी जल्दी बताते जाए। क्या इसके अंदर हम इसके अंदर विनाइल मैंडेलिक एसिड का लेवल चेक करेंगे? हाँ जी, मेटानेफ्रीन का लेवल चेक करेंगे? मैं अभी आपको बताता हूँ ये क्यों करेंगे, ठीक है। अगर तो आपसे पूछा जाए इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सा है फियोक्रोमोसाइटोमा में यूरिन में देखने के लिए, तो आपने बताना है विनाइल मैंडेलिक एसिड। अगर आपसे पूछा जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन सीरम में देखने के लिए आपका नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का लेवल, तो भाई वो मेटानेफ्रिन है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर सीरम में पूछा जाए तो मेटानेफ्रिन, अगर यूरिन में पूछा जाए तो विनाइल मैंडेलिक एसिड। क्यों ये दोनों चेक करते हैं, अब ये भी क्वेश्चन आता है, अब ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, ये करते क्यों है? भाई आपका जो नॉर एपिनेफ्रीन होता है ना, वो आगे पहले मेटानेफ्रीन के अंदर चेंज होता है, फिर जब वो यूरिन में जाता है तो वो विनाइल मैंडेलिक एसिड के अंदर चेंज हो रहा होता है, बस इसीलिए हम इसके अंदर विनाइल मैंडेलिक एसिड का लेवल चेक करेंगे और मेटानेफ्रीन का लेवल इस पेशेंट के अंदर हम चेक करेंगे। और क्या करेंगे हम, सीटी स्कैन कर सकते हैं हम इसके अंदर? हाँ जी बताएं, अगर सीटी स्कैन से पता नहीं चल रहा तो क्या हम इस पेशेंट के अंदर एमआरआई कर सकते हैं?
क्या इसके अंदर हम एमआरआई करेंगे इस पेशेंट के अंदर, अगर सीटी स्कैन से पता नहीं चल रहा तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, साथ एमआरआई भी कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने इस पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है, इस पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट प्लान होगा। आपने याद रखना है कि इस पेशेंट के अंदर ना, सबसे पहले अगर हम अगर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करें ना, कि जो कि इतना सच इम्पोर्टेंट नहीं है, करते हम इसके अंदर सर्जरी सर्जरी है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आपने याद रखना है कि इसके अंदर हम अल्फा ब्लॉकर पहले देंगे, फिर उसके बाद हम बीटा ब्लॉकर देंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि अल्फा ब्लॉकर पहले क्यों दे रहे हैं, बीटा ब्लॉकर बाद में क्यों दे रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ये आप मुझे बताएं क्यों दे रहे हैं। इसके अंदर अल्फा ब्लॉकर देने की वजह से क्या करेंगे उसका भाई, उसका प्री लोड को हम कर कर कम कर देंगे, ठीक है, जो उसकी वैजो कंस्ट्रिक्शन हो रही था वो वैजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा क्या करना है तुमने, दूसरा हम बीटा बीटा ब्लॉकर क्यों दे रहे हैं, स्पेसिफिकली सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर अगर देंगे तो वो सिर्फ हार्ट पे एक्ट करेंगे, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी कम कर देंगे, ब्लड कम जाएगा तो हार्ट भी उतना ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, दोनों चीजें कंपनसेट एट द सेम टाइम कर रही होती हैं। अगर आपने उसके अंदर भाई बीटा ब्लॉकर पहले दे दिया, ठीक है, तो उसके अंदर क्या आ सकता है, हाँ जी किसी को पता क्या आ सकता है। कंडीशन वर्स करेगी, कैसे वर्स कर सकती है भाई, उसका फ्लूइड ओवरलोड होना स्टार्ट कर देगा, आपकी हार्ट की तरफ तो ब्लड ज्यादा से ज्यादा जा रहा है ना, अल्फा मैन तो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, उन्होंने वैजो कंस्ट्रिक्शन करके रखी हुई है, आप आगे से हार्ट ब्लॉक कर रहे हैं बीटा, वो बीटा वन रिसेप्टर के, तो क्या हो जाएगा इस पेशेंट के अंदर ज्यादा हाइपरटेंशन होगी, कंडीशन ज्यादा वर्स हो जाएगी, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में पेशेंट जा सकता है। इसीलिए क्या करना है आपने, पहले अल्फा ब्लॉकर प्रेफर करना है, फिर आपने क्या करना है बीटा ब्लॉकर देने होते हैं इस पेशेंट के अंदर। अच्छा, अब पूछा जाता है अल्फा ब्लॉकर भी स्पेसिफिकली कौन से देते हैं, हाँ जी किसी को पता कौन सा है, इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है अगर पूछा जाए, फिनोक्सी बेंजामाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, फिनोक्सी बेंजामाइन, ये लिख लें इसको, रट्टा लगा लें इसको ड्रग को, ये क्या अल्फा ब्लॉकर है, क्या करेगी आपके प्रीलोड को कम कर रही होगी, ठीक है, वैसो डायलेशन कर रही है आपकी, अल्फा वन रिसेप्टर पे कम काम कर रही है, तो ये आपने ये बात याद रखनी है कि ये क्या कर रही है बच्चों, वैसो डायलेशन कर रही होती है फिनोक्सी बेंजामाइन। अगर इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर एट द एंड अपने बच्चों क्या करनी होती है, सर्जरी नहीं करनी होती, सर्जरी में भी लिख लेना हम इसका कौन सी करेंगे, एड्रीनालेक्टमी कर देंगे इसके अंदर, ठीक है, वो वाला पार्ट इसका क्या कर देंगे, उड़ा देंगे, क्या हाँ जी क्लियर है यहाँ तक, सीरम और यून वाला कॉन्सेप्ट रिपीट कर दें प्लीज। ओके सर, मेटोनिफ्रोनल कैसे ज्यादा होते हैं ब्लड, अच्छा मैं बताता हूँ, ये देखें डायग्नोज वाला, देखें यार जो आपका ये नॉरएपिनेफ्रिन होता है ना, ये बेसिकली बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, ये फिनोक्सी बेंजामाइन जो आप पढ़ेंगे ना वहाँ पे, वो बायोकेमिस्ट्री में वहाँ पे ये कंप्लीट डिटेल में लिखा हुआ एंजाइम्स के साथ, नॉरएपिनेफ्रिन आगे आपका चेंज होता है मेटानेफ्रिन के अंदर, ठीक है, मेटानेफ्रिन फिर आगे जब किडनी के लेवल पर जाता है ना, इसमें किडनी से एक्सक्रीट होना होता है, ये आपका चेंज होता है विनाइल मेंडेलिक एसिड में, ठीक है। अगर एमसीक्यू पूछा जाए कि फियोक्रोमासाइटोमा में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन सीरम, वो मेंशन करिए ब्लड में, तो आपने लिखना है जी मेटानेफ्रिन, अगर वो लिखता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन यूरिन में, तो आपने बताना है विनाइल मेंडेलिक एसिड, क्यों, क्योंकि भाई अब ये किडनी को क्रॉस करके यूरिन में आ रहा है ना, तो मेटानेफ्रिन आगे विनाइल मेंडेलिक एसिड के अंदर चेंज हो रहा होता है, तो इसीलिए क्या होगा फिर इसका आंसर, विनाइल मेंडेलिक एसिड इन यूरिन, ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, डबल टिक कर लें इसको, ठीक है, हाँ जी समझ में आ गई वाला पॉइंट, बाकी को तो क्लियर आ गई समझ में, हाँ जी बाकी ओके जी, अगर बाकी सबको भी समझ में आ गई, चलो ओके जी, किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो फिर ग्रुप में बेशक पूछ लीजिएगा, अब आपकी दूसरी क्लास हो स्टार्ट हो जाए, आप बोलें फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज, ओके जी।